सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए फिर से ले आया हूँ एक बजट फ्रेंडली ब्लूटूथ एयरफोन्स जो कि है मीवी कॉन्कर एक्स। और क्या ये मेरे कानों को कॉन्कर कर पाए ये हम जानेंगे आज इस वीडियो में। थोड़ा ज़्यादा हो गया तो रिव्यू भी करेंगे इसका, ठीक है। तो कॉन्कर एक्स कैसा रहा, कैसा अच्छा है कि नहीं, और अंडर 1000 रुपीज़ क्या ये अच्छी डील है या नहीं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा सब कुछ। लेकिन उससे पहले ग्रे कलर हमने पहन रखा है तो आपका सब्सक्राइब बटन को ग्रे करने का ड्यूटी बनता है, तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन में हम आ सके, ठीक है। सो अभी चलते हैं। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और कंफर्ट की। तो कंफर्ट के मामले में इसके जो एयर टिप्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से लग जाते हैं एंड काफ़ी अच्छा नॉइस कैंसलेशन दे देते हैं। बट यहीं पे इसका ये कॉन है क्योंकि ये बहुत जल्दी निकल जाते हैं, बहुत जल्दी। अगर आप इसको पॉकेट में डालेंगे तो पक्का ना पक्का एक ना एक तो गिर जाएगा आपका। मेरा तो गिर गया था बहुत बार, बट मैंने उठा लिया। और अब आप बोलेंगे पॉकेट में डालने की क्या ज़रूरत है, इसका तो मैग्नेट है भाई, मैग्नेट से चिपकता है। जी हाँ, इसमें मैग्नेट है बट बहुत ही बेकार है। देखा, ये निकल गया। और इसकी तार इतनी लंबी नहीं है कि ये सस्टेन कर पाए, तो आप जब नॉर्मली चलते हैं तो ये उछल उछल के ये निकल जाता है और ये निकल के गिर सकता है। इसलिए मैं इसको पॉकेट में डालता हूँ तो ये एयर टिप्स निकल जाते हैं। सो बहुत ही गड़बड़ है दया, बहुत गड़बड़ा है। और यहाँ पे बटन्स तो काफ़ी अच्छे लगे मेरे को, बटन्स अच्छे हैं, नो नॉट बैड, अच्छा बनाया गया है इसको। फ्लैट वायर मिल जाते हैं हमें जो कि इम्प्रेस किए मेरे को, टेंगल फ्री रहते हैं। और हाँ, ये IPX4 रेटिंग के साथ आते हैं, मतलब कि स्वेट और स्प्लैश प्रूफ तो हो गए हैं, तो टेंशन की बात नहीं होगी। तो बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है आपको और डुअल पेयरिंग मोड मिल जाता है। तो मैंने अपने आईफोन और एंड्रॉयड के साथ स्विच करता था बहुत ईजिली, जैसे जिसमें म्यूजिक बजेगा उसमें वो स्विच हो जाता था, दैट्स गुड, नॉट अ प्रॉब्लम, और ईजिली आप कनेक्ट कर सकते हैं। बट मेरे को इसमें अपने आप जब लगा हुआ है, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप डिसकनेक्ट होगा फिर कनेक्ट हो जाएगा, बोलता है ये पूरा, इट्स हैज़ बिन डिसकनेक्टेड, इट्स कनेक्टेड, बार बार बोलता रहेगा अपने आप ही, पता नहीं क्या होता है। और ये मैंने बहुत बार नोटिस किया, एक बार नोटिस नहीं किया है, तो कुछ तो गड़बड़ है। और लेटेंसी तो आपको मिलने वाली है, ऑब्वियसली लो लेटेंसी ऐसा कुछ नहीं है, गेम खेलोगे तो लेटेंसी आएगी, वो नॉर्मल। तो बात करें अगर हम बैटरी लाइफ की, तो कंपनी क्लेम करती है कि 14 घंटे का बैटरी लाइफ दे देता है ये, और एक घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, ऐसे कोई फास्ट चार्जिंग ये सब नहीं है। और इसमें माइक्रो USB चार्जिंग है, टाइप सी देना चाहिए, अब तो 2022 आ गया। और इसमें अगर आप पूछेंगे सीरी और गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट है, नहीं, ऐसा कोई असिस्टेंट का सपोर्ट नहीं है। और अब बात करें अगर कॉल क्वालिटी और माइक क्वालिटी की, तो बहुत अच्छी कॉल क्वालिटी, बहुत अच्छी माइक क्वालिटी है, मतलब ऐसा लगता है कि सच्ची में मैं फ़ोन में बात कर रहा हूँ। ऐसा मेरे को जो मेरे कॉलर थे जिनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है कि फ़ोन से बात कर रहा, नॉर्मल थी, और मैंने भी सुना तो काफ़ी अच्छी। तो बात करते हैं मेन चीज़ जो कि है ऑडियो क्वालिटी। तो इसमें आपको 10mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं और इसमें बोला गया है कि ड्यूअल रेडिएटर्स हैं जिससे आपको स्टूडियो साउंड मिलेगा, ठीक है जो भी है। सो मैंने इसको टेस्ट किया है 320kbps की ऑडियो फाइल्स पे, जो कि हाई डेफिनेशन होती हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी ऑडियो फाइल्स होती हैं। सो उसमें मैंने टेस्ट किया तो लो और बेस में मेरे को कैसा लगा, बैलेंस लगा, लाइक ज़्यादा ओवर द टॉप भी बेस नहीं है, वरना वो डिस्टॉर्शन ऐसा करता है, तो दैट्स गुड, आई लाइक इट। और उसके बाद मिड्स और वोकल्स की बात करें तो अमेजिंग, हमेशा की तरह मीवी का ये जो नेक बैंड वगैरह सीरीज़ है, इसमें वोकल्स वगैरह इतने क्रिस्प, इतने क्लियर मिलते हैं ना, मतलब मूवी वगैरह देखने के लिए मैं तो बोलता हूँ भाई नेक बैंड ऐसे अपनी लेके बैठो, बहुत ही अच्छी क्लैरिटी है, तो वहाँ तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। उसके बाद बात करें हाई और ट्रेबल्स की, सो ठीक था, डिसेंट था, बट तीनों का इतना अच्छा इक्वलाइजेशन नहीं हो पाया जिससे मज़ा आए, मतलब तो ठीक ठीक था, मतलब जिस जो प्राइस रेंज के हिसाब से हैं तो ठीक ही लगा। और उसके बाद अगर बताऊँ मैं आपको, थोड़ा सा अजीब चीज़ मिला मेरे को कि आपका एंड्रॉयड फ़ोन में आपको इसका ऑडियो क्वालिटी थोड़ा कम मिला, मतलब लाउडनेस थोड़ा कम मिला, जबकि आईफोन में जब मैंने कनेक्ट किया, आईफोन 5S मैं यूज़ करता हूँ टेस्टिंग के लिए, तो उसमें मेरे को काफ़ी अच्छा लाउड मिला। और सर्विस और वारंटी की बात करें तो आपको 1 ईयर की लिमिटेड सर्विस वारंटी मिल जाती है। और आपको कोई क्लेम व्लेम करना है तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा वेबसाइट पर इस प्रोडक्ट को, उसके बाद आपको ईमेल करना पड़ेगा, फिर वहाँ से पिकअप होगा अगर ब्लू डॉट सर्विस आपके यहाँ अवेलेबल है, वरना आपको खुद भेजना पड़ेगा, उसके बाद रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। और इस प्रोसेस में कम से कम 15 दिन या फिर 1 महीना भी लग जाता है। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कौन लगता है यार, ठीक है अब इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, कैसे खोलेगी ना सर्विस सेंटर वगैरह। तो अब बात करते हैं इसका प्राइस क्या है। तो ये आपको 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा और ईजिली आपको 600 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है।
सेल हो नहीं हो तो भी मिल ही जाता है, ठीक है। तो अब मैं बताऊं कि मेरा ओपिनियन क्या है कि आपको इसको लेना चाहिए, गलती से भी मत लेना यार इसको, बहुत ही बेकार लगा मेरे को कंपेयर टू मीवी के खुद के प्रोडक्ट। मतलब मीवी का इससे अच्छा प्रोडक्ट खुद आता है, खुद ही अपना कंपटीशन है इसका, तो वो लेना ये क्यों लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ मीवी कॉलर फ्लैश की। अगर आपको उसका वीडियो देखना है, रिव्यू देखना है, तो आई बटन में वीडियो दे दूंगा। और मैं पर्सनली मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ अभी भी वो, और मेरे को बेस्ट लगता है। पहले तो 24 घंटा आपको बैटरी लाइफ मिल जाती है, ठीक है, और आपका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, मैग्नेट अच्छा है, गिरेगा नहीं आपके गले से, उसका ईयर टिप्स निकल के गिर नहीं जाते। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को मीवी कॉलर फ्लैश, नेक बैंड है वो प्रॉपर। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप उसकी तरफ जाएं, इसको मत खरीदना, गलती से भी मत खरीदना। और वो भी आपको 600 रुपये के आसपास मिल जाएगा, 1000 रुपये का आता है वैसे, और 600 रुपये 700 रुपये ऐसे मिल जाता है। तो मेरा रिकमेंडेशन कि वो लो, ये मत लेना, गलती से भी मत लेना। और भी मेरे कुछ रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स होंगे जो कि TWS वगैरह हो गए या नेक बैंड वगैरह हो गए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप उसको क्लिक करके खरीदेंगे तो चैनल को हेल्प हो जाएगी। तो दैट्स इट दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय। We'll be right back.